नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना श्रीवास्तव। वाराणसी सीट से अपना पर्चा खारिज होने के बाद बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तेज बहादुर यादव को वाराणसी सीट से खड़ा किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके जरूरी दस्तावेजों के न होने के कारण उनका नामांकन खारिज कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। वाराणसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन रद्द किए जाने के बाद पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेज बहादुर ने चुनाव आयोग को नामांकन खारिज किए जाने की चुनौती दी है। तेज बहादुर की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण इस मामले पर कोर्ट के सामने दलील देंगे। बता दें कि तेज बहादुर पर जानकारी छिपाने के आरोप में कार्रवाई करते हुए निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया है। दरअसल तेज बहादुर ने निर्दलीय दल और समाजवादी पार्टी दोनों से नामांकन भरा था, लेकिन इन दोनों के नामांकन में तेज बहादुर ने जो जानकारी दी वो अलग अलग थी। तेज बहादुर ने जब दोबारा नामांकन किया तो इस बार के हलफनामे में उन्होंने बीएसएफ से निकाले जाने की जानकारी नहीं दी, जबकि पहली बार के हलफनामे में उन्होंने यह बात लिखी थी। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने तेज बहादुर को नोटिस जारी कर तय समय सीमा के अंदर जवाब देने के लिए कहा, लेकिन तेज बहादुर ने समय पर जवाब नहीं दिया और निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। तेज बहादुर जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने चुनाव आयोग पर ही तानाशाही का आरोप लगा दिया। तेज बहादुर के वकील ने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग को सबूत दिए, इसके बाद भी उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। तेज बहादुर ने चुनाव आयोग पर ही तानाशाही का आरोप लगा दिया है। उन्होंने बताया कि उनके वकील ने निर्वाचन आयोग को सभी दस्तावेज सौंप दिए थे, उसके बाद भी उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कार्रवाई करती है। जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव उत्तर प्रदेश लखनऊ।